नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति राव व्लॉग्स। मेरा नाम है हरीश। नया दिन नया सफ़र। जी हाँ, आज हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं अपना पूरा एक्सपीरियंस अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर एंट्री से लेके फ्लाइट में बैठने तक का रियल टाइम एक्सपीरियंस, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में घर बैठे ही देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट में एंट्री की, कि कैसे आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे। तो आज हम लग चुके हैं डिजी यात्रा ऐप की लाइन में, और आज हम डिजी यात्रा ऐप को यूज़ करते हुए एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे कलीग जो यहाँ पर खड़े होने की जो निशान है वहाँ पर जाते हैं, सामने एक मशीन लगी हुई, उनकी एक फ़ोटोग्राफ क्लिक होती है, और जो हमने डिटेल्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपडेट की हुई है उससे मैच करके उनको एंट्री मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी भी पिक्चर क्लिक होगी अभी इस मशीन में, और मेरी जो डिटेल्स है वो मैच करेगा एप्लीकेशन से, बट यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आई थिंक मुझे वापस से ट्राई करना होगा, वापस से मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। ये देखिए मशीन में आप देख सकते हैं कि कैमरा लगा हुआ है, ओके। और शायद मैंने सामने बैग पहना हुआ है उस वजह से नहीं हो पा रहा है, तो मैं बैग को निकाल के वापस एक बार ट्राई करूँगा और मुझे शायद एंट्री मिल जाए। और दोस्तों घबराने की बात नहीं है, अगर डिजी यात्रा ऐप से अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है एयरपोर्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपकी असिस्टेंस के लिए यहाँ के एम्प्लॉई होंगे जो आपको हेल्प कर देंगे। मैंने वापस से कैमरे में देखा, मेरी फ़ोटो क्लिक हुई और वही मैच कर रहे हैं, और देखिए फाइनली मेरे को एंट्री मिल गई है दोस्तों। तो अपनी एयरपोर्ट के अंदर दोस्तों एंट्री हो चुकी है। ये है टर्मिनल 1 अहमदाबाद एयरपोर्ट, बाकी कैसा कुछ है व्यू। और एंट्री करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है काउंटर पे। आप जिस भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, जिस भी कंपनी से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आज हम इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं अहमदाबाद टू दिल्ली, तो हम उनके काउंटर पे जाएंगे अपने बैग्स को चेक इन कराने के लिए, बैगेज का चेक इन कराने के लिए। बाकी दूसरे कुछ व्यूअर्स ये भी सोच रहे होंगे जिनको डिजी यात्रा ऐप के बारे में नहीं पता है कि ये क्या है और इसकी फ़ायदे क्या है। डिजी यात्रा ऐप को रिसेंटली 1 साल पहले लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से एयरपोर्ट के ट्रैवल को आसान बनाने के लिए। एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश होने लग गया है, क्राउड होने लग गया है, तो वो लंबी लाइनों से बचने के लिए आपको एप्लीकेशन दी गई है, ठीक है, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स अपडेट करनी है, और ऐसे आपको कुछ बिना डॉक्यूमेंट दिखाए आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाती है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको अपना टिकट अपडेट करना होगा जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, प्लस आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपडेट करना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, ये तीनों ही चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं, तो उसमें अपडेट करेंगे तो आपका जो ये ट्रैवल है वो आसान हो जाएगा। अगर कोई भी डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए आप देख रहे हैं, तो बाकी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए डिजी यात्रा ऐप यूज़ नहीं होता है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाकी अभी हम काउंटर पे पहुंच चुके हैं जहां पर अभी हम कराने वाले हैं अपने बैग्स का चेक इन। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ अपनी टिकट जो मैंने ऑनलाइन बुक करी है, ठीक है, और टिकट दिखाने के साथ साथ हमें क्या करना होगा, हमें दिखाने होंगे अपने आइडेंटिटी प्रूफ, जो हमारा आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है। आपके पास हार्ड कॉपी होनी ज़रूरी है अगर आप एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो। बाकी बैगेज चेक इन के बारे में बताऊँ, जैसे हम इंडिगो से आज ट्रैवल कर रहे हैं तो पर पर्सन 15 kg अलाउड है, मतलब 15 kg आप अपने बैग्स का चेक इन करा सकते हैं, ठीक है। उसमें आप सामान ले जा सकते हैं, कपड़े ले जा सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लैपटॉप अपने बैग्स के अंदर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, वो आपके हैंड बैग में होना चाहिए, पावर बैंक नहीं होना चाहिए। तो हमारे बैग्स में देखिए कपड़े ही हैं, बाकी 15 kg पर पर्सन अलाउड है। अगर आपका वेट, आपका जो सामान होगा उसका वेट 15 kg से ज़्यादा होगा, तो आपको पर kg पे करना पड़ेगा। एयर इंडिया में 20 kg है डोमेस्टिक, उसमें फ़्लाइट्स में एयर इंडिया में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इंडिगो में 15 kg है, बाकी पर पर्सन के हिसाब से 15 kg बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आप देख सकते हैं वेट्स का चेक हो रहा है, वेट्स में मतलब बैग्स का चेक हो रहा है कि वेट कितना है, बाकी ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे बैगेज का चेक इन आप देख सकते हैं कि कैसे हो सकता है, ये लाइव आपके सामने हो रहा है दोस्तों, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। क्या है कि आपको आना है, मतलब एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करना है, सीधा काउंटर पर आना है, काउंटर पे अपनी ऑनलाइन टिकट जो आपने बुक करी है वो दिखानी है, अपना आधार कार्ड दिखाना है, आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना है, अपने बैग्स को रखना है जिनका वेट चेक होगा, और यहाँ पर बैगेज का चेक इन फॉर्मेलिटी हो रहा है, आप देखिए दोस्तों। नहीं 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 कुछ नहीं है, एंड दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप अपने बैग्स का चेक इन कराते हैं तो चेक इन कराने के बाद आपको आपका बोर्डिंग पास मिलेगा, मतलब आपकी टिकट आपको मिलेगी, हार्ड कॉपी मिलेगी,
और आपके बैग्स जो आपने चेक इन कराए हैं, जैसे हमने सारे बैग्स को चेक इन कराया जो आप सामने रख देख सकते हैं, इन पे एक टैग लगाया जाता है और वही टैग, उसका सेम कॉपी टैग हमारे बोर्डिंग पास पे भी लगाया जाएगा इस रिकॉर्ड के लिए कि हाँ एक इस पैसेंजर ने इतने बैग्स का चेक इन कराया है, कि इफ इन केस इन फ्यूचर जहाँ पर भी हमारी फ़्लाइट लैंड होती है अगर वो बैग्स मिसप्लेस हो जाते हैं, देखिए 99.9% बैग मिसप्लेस नहीं होते हैं, अगर फिर भी 0.1% अगर बैग मिसप्लेस हो जाते हैं तो आपकी जो जिस भी फ्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हैं आप अपनी बोर्डिंग पास उन्हें दिखाएंगे, अपना टैग आप उन्हें दिखाएंगे, तो ताकि आपका सामान को ये ट्रैक करने की कोशिश करेंगे और अगर देखेंगे कि कहाँ पर मिसप्लेस हो गया है, कहाँ पर रह गया है, ये भी पैसेंजर की हेल्प के लिए किया जाता है ताकि आपके पास भी एक रिकॉर्ड रहे कि आपने कोई बैग को चेक इन कराया है बेसिकली। अभी हमारा देखिए जो फॉर्मेलिटी है बैगेज चेक इन का वो हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है, हमको हमारे बोर्डिंग पास ऑलमोस्ट मिल गए हैं। एंड दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा जो बैगेज का जो फॉर्मेलिटी है, बैगेज चेक इन जो फॉर्मेलिटी है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है और देखिए हमारे बोर्डिंग पास हमें अब मिल चुके हैं, ठीक है, और हर बोर्डिंग पास के पीछे एक टैग भी लगा हुआ है हमारे बैग्स को ट्रैक करने के लिए और वही सेम स्टिकर टैग हमारे बैग्स पे, हमारे इन चेक इन बैग्स पे भी लगा हुआ है। बाकी अब बैगेज चेक इन के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेलिटी है वो है अपनी सिक्योरिटी चेक इन। सिक्योरिटी चेक इन बेसिकली होता क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे कलीग के पास एक हैंड बैग है, मेरे पास भी एक हैंड बैग है और मेजॉरिटी बहुत लोगों के पास हैंड बैग होता है। अब इन हैंड बैग्स में जो भी सामान है वो सिक्योरिटी चेक मतलब स्कैन होंगे, आपके पास अगर कोई मतलब कुछ भी पर्स मोबाइल हर चीज़ को स्कैन किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस से, एक बेसिक सिक्योरिटी पर्पस से एक चेक होता है कि आप ऐसा कुछ भी फ्लाइट में कैरी नहीं कर रहे हैं जो डेंजरस हो सकता है फ़्लाइट के लिए या किसी पैसेंजर के लिए बेसिकली। और अभी सिक्योरिटी चेक इन के जगह तक पहुंचने के लिए वापस से हम डिजी यात्रा वाली एप्लीकेशन वाली लाइन में लग चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मशीन ने मेरी वापस से एक पिक्चर क्लिक करी और फिर मैंने एक्चुअली बैग को सामने पहना हुआ है तो शायद उसी चक्कर में ये वापस से एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैं वापस से ट्राई करता हूँ और आई थिंक ऑल राइट। सो ये हो गया मेरा सिक्योरिटी चेक इन की तरफ जाने का जो पॉइंट है डिजी यात्रा की तरफ वो क्लियर हो चुका है। तो मतलब देख रहे हैं मतलब डिजी यात्रा ऐप कितना आसान करती है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, अपना बोर्डिंग पास नहीं दिखाना है, कुछ नहीं करना है, बस कैमरे के सामने जाके खड़े हो जाओ, वो आपकी पिक्चर क्लिक करेगा, जो डिटेल्स आपने ऑनलाइन अपडेट की हुई है उसे मैच करते हैं और आपको एंट्री मिल जाती है। ये पैसेंजर्स की मतलब जो जर्नी है उसको आसान करने के लिए बनाया गया है। अगर आप ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने दुबई में ही देखा है, वहाँ पर मेजॉरिटी सारे काम आपके मतलब कैमरा ही करते हैं, आपको ना पासपोर्ट दिखाना है ना कुछ दिखाना है, ना आपको अपनी बोर्डिंग पास दिखानी है, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, वो आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे और स्क्रीन पे सारी डिटेल आ जाएगी, आपका नाम, आपका फादर का नाम, आप कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ आ जाता है। तो वही टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ रही है धीरे धीरे, स्लोली ग्रेजुअली हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं उस हिसाब से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। बाकी अभी हम ये है एरिया सिक्योरिटी चेक इन का। दोस्तों यहाँ पर देखिए कैमराज अलाउड नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद मुझे कैमरा बंद करना होगा, सिक्योरिटी चेक इन के बाद में चालू करूँगा। बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पर अब आपके पास जितने भी हैंड बैग है, अगर आपने जैकेट पहना हुआ है तो वो आपको निकालना है, आपको बेल्ट निकालनी है, अगर आपने हाई हील शूज़ पहने हुए वो निकालना है, पर्स मोबाइल चार्जर लैपटॉप हर चीज़ निकाल के इन ट्रे में रखना है और इन ट्रे में रखने के बाद इनको स्कैन किया जाएगा, आपके सामान को स्कैन किया जाएगा। आपके पास आपकी जेब में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ बोर्डिंग पास होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल ना पर्स ना पर्स मतलब मोबाइल पर्स पैसे कुछ नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें निकाल के आपको इन ट्रे में रखना है। वो देखिए अब वहाँ पर मशीन लगी हुई है, स्कैन हो रहा है, मतलब मेरा सिक्योरिटी चेक इन दोस्तों हो चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपके बैग्स को चेक किया जाता है कि, और ये सब बेसिकली हर एयरपोर्ट पे अक्रॉस इंडिया सिक्योरिटी चेक इन होता है, एजेंडा यही है सेफ्टी पर्पस दोस्तों, तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, मतलब घबराइए मत, आराम से करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने जैकेट पहनी है तो वो भी आपको निकालनी पड़ेगी, सिर्फ आपने टी शर्ट जो भी पहना है वो, आपका जीन्स पतलून जो भी आपने पहना है सिर्फ वही,
ठीक है, अगर आपने जैकेट पहनी वो निकालनी पड़ेगी, बेल्ट है उसको निकालो, बूट्स को निकालो, अपना पर्स, मोबाइल, फ़ोन चार्जर, लैपटॉप चार्जर, हर चीज़ को आपको एक्सरे मशीन से एक ट्रे में डाल के निकालना होगा। प्रोसेस बहुत ईजी है, मात्र 5 से 7 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इसमें प्रोसेस में आपको आधा घंटा भी लग सकता है। तो अपना सिक्योरिटी चेक इन दोस्तों हो चुका है, अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको एयरपोर्ट का थोड़ा सा टूर आपको दिखाता हूँ कि एयरपोर्ट कैसा है, और मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ लाउंज में, एयरपोर्ट लाउंज में, जहाँ पर अपना हम करेंगे अपना लंच, आराम से बैठ के बैठेंगे आराम से 1.5 घंटा, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में अभी बहुत टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। बाकी आज अभी तक का जो प्रोसेस रहा, देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लकीली मेरा ये सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो बहुत रश था, अभी रश बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम पे तो भाई साहब जब मैं आया था तो ये जितनी भी कुर्सियां लगी हुई हैं ना, सारी कुर्सियां फुल थी, लोग वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का, क्योंकि मेरी शाम की फ़्लाइट थी, आज मेरी दिन की दोपहर की फ़्लाइट है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा, अभी इस टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक कम है, मतलब इतना ट्रैफिक एज एन लाइक कि पब्लिक इतनी नहीं है। बाकी ऊपर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर है हमारा गेट, जहाँ से आज हमें फ़्लाइट के अंदर जाना है, बैठना है, बोर्डिंग जो हमारी शुरू होगी। बाकी अभी तो हम जा रहे हैं अपने लाउंज की तरफ, जहाँ पर आज हम खाएंगे मस्त खाना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास है लाउंज का एक्सेस, ठीक है, एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस। और लाउंज में भी भाई साहब बहुत मारा मारी होती है, वहाँ पर भी सिटिंग नहीं मिलती है, अभी 1 ही बजा है, तो 2-2.5 बजे के बाद बहुत ज़्यादा लाउंज में हैवी हो जाता है और वहाँ पर सिटिंग भी नहीं मिलती है। अगर अब आपके पास एक्सेस है भी, तब नहीं भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वहाँ पर सिटिंग नहीं है, लोग बैठे हुए 1.5-2-3 घंटा बैठ जाते हैं आराम से, लोग तो कुछ बैठे बैठे सो भी जाते हैं लंच करने के बाद, ताकि वो गलत है, नहीं करना चाहिए। आपने लंच कर लिया है, बाहर बैठना है तो आप बाहर ही बैठ सकते हैं, दुनिया भर की कुर्सियां लगी हुई हैं पूरे एयरपोर्ट पे। बाकी ये कुछ ग्राउंड फ्लोर का पूरा व्यू है, ठीक है, और हमारी जो बोर्डिंग स्टार्ट होनी है वो फर्स्ट फ्लोर से होनी है, गेट नंबर 3 से, तो गेट नंबर 3 के बाद में चलेंगे, पहले अभी हम लाउंज की तरफ लेके चल रहे हैं। नॉर्मल सीढ़ियाँ भी हैं, नॉर्मल ये एक्सेलेरेटर भी लगे हुए हैं, अगर आपको नहीं चलना है, आपको आलसी है, आपको आलसी बनना है, मेरी तरह बनना है, तो भैया ये यूज़ करो, बाकी जितना ज़्यादा वॉक हो सकता है उतना दोस्तों करो, जितना ज़्यादा सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हो वो भी करो, हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे। बाकी अब सीधा जाएंगे लाउंज की तरफ, और मैं लाउंज का आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। बाकी कुछ ऐसा है फर्स्ट फ्लोर एयरपोर्ट का व्यू, और देखिए देखो दुनिया भर की कुर्सियाँ लगी हुई हैं, आप आराम से यहाँ बैठिए, रेस्ट कीजिए जब तक आपकी फ़्लाइट का टाइम नहीं होता है, ठीक है। फ़ोन चार्जिंग के भी पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो कोई ऐसी सुविधा, मतलब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, ठीक है। वो खाने पीने के लिए भी शॉप्स हैं, लाउंज है, KFC भी है, बर्गर, मतलब सब कुछ मिल जाता है यार एयरपोर्ट पर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एयरपोर्ट अगर आपकी फ़्लाइट 2 बजे की है तो आप 11 बजे पहुंच जाओ, 2-2.5 घंटा पहले पहुंचो, रश से बचोगे, आराम से जल्दबाजी में कुछ काम नहीं होंगे, अगर आपको भीड़ भी मिल जाती है तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। देखिए KFC बोर्ड लगा हुआ है, बेकर स्ट्रीट्स लगा हुआ है, तो काफ़ी कुछ है खाने पीने के लिए, पानी पीने के लिए भी सब कुछ है, ठीक है। बाकी अभी सामने ही लाउंज है, और यहाँ पर मैं आपको लाउंज में दिखाता हूँ कि क्या कुछ खाने पीने के लिए और कैसा अरेंजमेंट है एयरपोर्ट लाउंज का। और ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों, लास्ट टाइम जब मैं इंदर अहमदाबाद एयरपोर्ट आया था ना, तो मैंने लाउंज के अंदर एंट्री करने के लिए भी मैंने आधे आधे घंटे की लाइन देखी थी, मतलब इतना रश हो जाता है कि एक ही लाउंज है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लाइट चलती हैं शाम को, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी आपके अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस है तो आपको फ्री में मस्त लाउंज में एक्सेस मिलेगा, मतलब एंट्री मिलेगी, उसके लिए बस अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देना है, ठीक है, और अपना बोर्डिंग पास उनको दिखाना है और आपको एंट्री मिल जाएगी। मस्त खाना पीना कीजिए, अनलिमिटेड होता है, बूफे होता है इन टर्म्स ऑफ, मतलब आप जितना मर्जी खा सकते हो, मतलब आपको कोई रोक टोक नहीं है, 4 बार खाना है, 5 बार खाना है, 10 बार खाना है, जितनी बार मर्जी खाना खाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी ऐसा कुछ है व्यू, प्रॉपर 4 लोगों के लिए सिटिंग है, वहाँ बड़ी टेबल लगी हुई है। बाकी हम देख रहे हैं सिटिंग, अपने लिए सिटिंग है नहीं है, क्योंकि हम 3 लोग हैं, ये सारी कुर्सियां मतलब सोफे मस्त खाली पड़े हैं, तो भैया देखो सिटिंग की तो टेंशन ख़त्म हो गई है। बाकी मैं एक बार आपको ले चलता हूँ जहाँ पर ये अपना खाना लगा हुआ है कि क्या क्या ऑप्शन है, वेज नॉन वेज हर चीज़ की सुविधा मिलती है, कॉफ़ी चाय हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, ठीक है, स्वीट्स भी मिलते हैं,
प्रॉपर चावल मिलेगी, रोटी मिलेगी, बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप खुद देखिए, लाइव देखिए कि कैसे आपको खाने के इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, इस पर लाउंज एक्सेस है। देखिए यहाँ पर चिकन भी लगा हुआ है, दाल भी लगी हुई है, पनीर भी है, ठीक है, प्रॉपर पाव भाजी भी है, चावल भी है, तो खाने मतलब खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये मतलब आप जो दो, मैं जैसे कहा दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट जितना मर्जी खाइए, बाकी आप प्रॉपर अपना कॉफ़ी बना सकते हैं। खुद नहीं बनानी आती है तो बोल सकते हो जो ये बंदे लगे हुए हैं, यहाँ पर प्लेट उठाओ, जैसे इन्होंने प्लेट उठाई, यहाँ पर जूस वूस रखे हुए हैं, कॉफ़ी मशीन लगी हुई है। बाकी अभी चलते हैं, अपनी सीट पर रखता हूँ बैग, आराम से यहाँ डेढ़ दो घंटा रेस्ट करूँगा और फिर वहाँ से दोस्तों कंटिन्यू करते हैं और फिर अपना बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, तभी निकलेंगे यहाँ से, उससे पहले हम नहीं उठने वाले हैं। और बाकी फिर आपको मैं व्यू दिखाता हूँ एयरपोर्ट का थोड़ी देर में आराम करके। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ बैठ जाए, इधर बैठ जाता हूँ, क्या होगा, इधर को बैठा थोड़ा ना। तो दोस्तों ऑलमोस्ट डेढ़ पौने दो घंटे आराम करने के बाद, बढ़िया लंच करने के बाद और आधा घंटा सोने के बाद अब हम चल दिए हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। बाकी मैं एक बार आपको वॉकिंग टूर दे देता हूं पूरे एयरपोर्ट का। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा थोड़ा छोटा एयरपोर्ट है अहमदाबाद का, टर्मिनल वन का। और एक बार मैं आपको अपने गेट नंबर 3 जहाँ से आज हमारी बोर्डिंग स्टार्ट है उस तक पहुँचने से पहले एक बार एयरपोर्ट का टूर दे देता हूँ, आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आपका आप भी अगर अहमदाबाद एयरपोर्ट के बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का और पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, मैं ऑनेस्टली हर कमेंट पे मैं रिप्लाई करूँगा। अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है, कुछ डाउट है, तब भी मतलब कुछ भी है, हाँ ना, आप कमेंट कीजिए। क्योंकि देखो क्या है ना, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है। ये आपके भाई की आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं जाना है, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें आपको और सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें। और आपका इन फ्यूचर अगर प्लान कुछ होता है तो आपकी जर्नी आसान रहेगी। बाकी ऐसा कुछ है व्यू, देखिए प्रॉपर शॉपिंग के लिए अपना स्टोर बने हुए हैं दुनिया भर के, ठीक है, तो खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, शॉपिंग अगर करनी है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। हीलियोस वॉचेस के लिए कपड़े ख़रीदने हैं तो भैया स्टोर है, हर चीज़ है। और अभी तो यहाँ काम चल ही रहा है यार, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तो अभी काम चल ही रहा है, अभी तो और भी मतलब अच्छा और नए नए ऑप्शंस आपको सब मिलेंगे, नए नए स्टोर आपको मिलेंगे, प्रॉपर सिटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हर जगह भैया टी कॉफ़ी मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर भी बैठ सकते हो सामने। लेकिन आप देखिएगा सामने आपको दिख रहा होगा भीड़ लगी हुई है, ये क्या है, ये गेट नंबर 1 है और यहाँ से लोग अपनी बोर्डिंग करने के लिए फ़्लाइट में लग चुके हैं, ठीक है, ऐसे लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है, देख सकते हो दोस्तों। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ अपने गेट नंबर 3 के पास, अभी हम गेट नंबर 1 पे थे, अभी हम गेट नंबर 3 पे चल रहे हैं जहाँ से आज हमारी बोर्डिंग शुरू है, क्योंकि बोर्डिंग आई थिंक हो चुकी है शुरू। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर जैसे हमारी फ़्लाइट है 3:40 की, अगर हम अपने गेट पे 3:20 तक अगर नहीं पहुँचे और अगर हम 3:22 पे पहुँचते हैं, 3:23 पे पहुँचते हैं, तो हमें फिर फ़्लाइट के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाते हैं, चाहे आप एयरपोर्ट पे ही हैं, अगर आप नहीं लगे लाइन में और आप नहीं गए फ़्लाइट के अंदर बैठे तो आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि मेरा भाई फ़्लाइट 3:20 है और मेरे इस गेट से मेरे को फ़्लाइट के अंदर जाना है, तो वहाँ पर आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुँच जाइए। क्योंकि देखिए, अब देखो मैं आप जैसे जैसे जा रहा हूँ आपको दिखाई दे रही होगी, सामने भीड़ दिखाई दे रही है, हमारा बोर्डिंग टाइम अभी शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन लाइन लग चुकी है, क्योंकि हमारा प्लेन नीचे खड़ा है। और अब देखिए सामने लाइन लग चुकी है, लोग खड़े हो गए हैं बोर्डिंग करने के लिए, आप देख रहे हैं मतलब, और अभी भी टाइम है, मतलब 3:40 की फ़्लाइट है और अभी भी 3 ही बजे हैं, मतलब 3 भी नहीं बजे हैं, 2:55 हुए हैं। और देखिए अब देखिए है ना, तो लोग लाइन में लग चुके हैं और अब
यहाँ से स्लोली ग्रेजुअली अपना बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लोग अपनी अपनी टिकट दिखाएंगे और इस गेट से होते हुए फ्लाइट के अंदर जाके बैठ जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा, ये चीज़ है और ये आपको मैसेज भी आया होगा जब भी अगर आपने ट्रैवल किया होगा। बाकी हम लाइन में लग चुके हैं, ठीक है, और अभी क्या करना है, यहाँ पर भी आपको अपनी टिकट दिखानी पड़ती है। तो टिकट को अपना थोड़ा सेफ रखिए, गुम मत करिए। यहाँ पर भी आपके इंडिगो के जो हैं कर्मचारी है वो आपकी टिकट चेक करेंगे, स्कैन करेंगे कि भाई इतनी टिकट इशू हुई थी एयरपोर्ट में जब लोगों ने एंटर किया था और इतने लोग यहाँ फ्लाइट तक पहुँच चुके हैं। आपको ऐसे वॉक करना है, ठीक है। और देखिए हमारा लेफ्ट साइड में प्लेन खड़ा है जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं और अभी हम थोड़ी ही देर में फ्लाइट के अंदर जाएंगे, अपनी जो सीट हमें एलोकेट हुई है उस पर बैठेंगे और रवाना हो जाएंगे अहमदाबाद टू दिल्ली, ठीक है। और आई एम श्योर दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तुम्हारा भाई आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। और ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए, तो आई थिंक मैं थोड़ी हेल्प तो कर पाऊँगा आपकी। अगर आप जैसे ही एंटर करते हैं फ्लाइट के अंदर तो ऐसे फ्लाइट एयर हॉस्टेस जिनको बोलते हैं ये होंगी, आपको ग्रीट करेगी, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आपको लग रहा होगा इनका फेस देख के कि ये फेक होता है, मतलब दे फेक इट, मतलब बट उनको बोला गया कि हाँ जी नमस्कार करना है, स्माइल करके करना है। वो यार ये नौकरी बहुत मुश्किल है, चलो इसके बारे में अगली बार बात करेंगे। बाकी ऐसा कुछ है फ्लाइट का व्यू, इनसाइड व्यू, और लेफ्ट और राइट में आप देखे होंगे बैग रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर आपके पास हैंड बैग है, आपके पास छोटे बैग है तो ऊपर रख सकते हो, सामान रखने के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं अपनी सीट के लिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, ये फ्लाइट का अंदर का व्यू है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर कमेंट में ज़रूर पूछिए। बाकी मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है हरीश4388 इंस्टाग्राम पे आईडी है, उस पर आप मतलब आप वहाँ पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।